गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कहा करो करो और उसके बाद मर जाओ। एक रियल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जवाब चाहो तो नहीं पता हो तो काल्पनिक दे सकते, और आज तुम चाहो तो नाम ले सकते हो क्लास की बंदी का, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन। चेतन, हु केम फर्स्ट टुडे? आज सबसे पहले कौन आया था? आज सबसे पहले शिखा आई थी। एक और नया शब्द डाल देते हैं बच्चे इसमें, हु केम वेरी फर्स्ट टुडे। वेरी का मतलब हमेशा वैसा यूज करते आ रहे हो ना, वेरी यानी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी यानी बहुत। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत प्रयोग है। तो चेतन, हु केम वेरी फर्स्ट टुडे? आज सबसे पहले कौन आया था? आज सबसे पहले शिखा आई थी। सेम क्वेश्चन है ना, आप चाहो तो आंसर बदल सकते हो। I came very first today. सबसे पहले कौन आया था? मैं ही था। आज सबसे पहले मैं आई थी। Who came very first today? चेतन came very first today. आज सबसे पहले कौन आया था? आज सबसे पहले चेतन था। Who came very first today? Manish came very first today. सबसे पहले कौन आया? आज सबसे पहले कौन आया था? आज सबसे पहले अगला था। बच्चों, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन योर बैच? प्रणय, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में हो रही है? हिंदी में हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए दो पेज छोड़ दो बच्चों, एक जिसमें हेडिंग लिखी वो पलटा दो, एक और पेज पलटा दो। अब अगली हेडिंग राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ पेज पर तुमने पहले से लिखी हुई है क्या?
क्योंकि वहां तुम्हारे राइट साइड कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर तुमने कोई वीडियो देख लिया हो, क्योंकि मैडम ने वीडियो बनाया हुआ है। बच्चों, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? द नेक्स्ट हेडिंग शुड बी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। करेक्ट, प्लीज राइट इट डाउन। So have you written this? Yes, I have written. Should I ask the next question? Yes. So my next question goes to you. What should be the first point? The first point should be the identification. Please write it down. Have you written this? Yes, sir. Should I ask the next question? Yes, sir. So my next question goes to you. What should be the identification? The identification should be पिछली बार कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो हम एक पहला शब्द पूरा लिख देते हैं। बच्चे, तुम में से किसी ने सो ऑन बोला था ना? मतलब अभी आदत नहीं आई थी ये बोलने। एक बार फिर से पूछ लेते हैं, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? द आइडेंटिफिकेशन शुड बी द आइडेंटिफिकेशन एंड सो ऑन बोल। Have you written this? Yes, yes sir. Yes. Should I ask the next question? Yes, sir. My next question goes to you. What should be the second point? The second point should be formula. Please jot it down. ये वर्ब पहली बार यूज किया है क्या बच्चा? जॉट इट डाउन का मतलब होता है फटाफट लिख लेना। The last question goes to you, bachcho. What should be the formula? The formula should be the Thank you. Subject plus was oblique were plus we were plus ing
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, कर्ता सहायक क्रिया वॉज या वर, क्रिया का पहला रूप उसमें आईएनजी, कर्म और विस्तार। Have you written this? Yes, sir. Should we start the round? दोस्तों पहला राउंड हम हमेशा काय से शुरू करते हैं और आई के साथ सहायक क्रिया वॉस लगती है, तो पहले राउंड में सब लोग आई लगाएंगे, लेकिन लकीर का फकीर ना हो इसलिए हम एक क्रिएटिविटी जरूर करेंगे, रचनात्मकता क्रिया बदलेंगे, सभी लोग अलग अलग क्रिया रखिएगा। और बच्चों जैसे कल इसका वाक्य बार बार गलत हो रहा था, तो प्रीपोजिशन आप अपने मन से मत लगाइएगा, जब जरूरत होगी तो मैं हूं ना मदद कर दूंगा। और अगर आपको श्योर है, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको श्योर रहता है वो लगा सकते हैं। Here we go. I was completing my incomplete work yesterday. मैं अपना अधूरा काम कल पूरा कर रही थी। एक बार बोल दीजिए। I was completing my incomplete work yesterday. कल मैं अपना अधूरा कार्य पूरा कर रहा था। गुड, नाइस। सेंटेंस इज करेक्ट ग्रामेटिकली, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग की कैटेगरी में जा रहा है, कुछ जम नहीं रहा है, तो कुछ कोई और वर्ब ले दो। I was changing my book. मैं अपनी बुक चेंज बदल रही हूँ। एक बार ऐसे ही बोल दीजिए, हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं। सोनम, राइट? सोनम वॉज चेंजिंग हर बुक। सोनम अपनी किताब बदल रही थी। I was using my new laptop. सचिन गुलिवर ट्रेवल नॉवेल पढ़ा गया था। वेरी नाइस। लेकिन दोस्त एक छोटा सा, हाँ ठीक है, कम अगेन। सचिन वॉज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल नॉवेल। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? अच्छा, वहां पे ध्यान दिया। इससे कोई हर्ज नहीं है, उसने सेंटेंस तो बिल्कुल सही बनाया, लेकिन इससे एक संकेत मिल रहा है कि उसने निर्देश को ध्यान से सुना नहीं। तुमने कौन सा सब्जेक्ट रखा बेटा? तुमने कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस में अगर आपका ध्यान नहीं है तो नेक्स्ट।
आई वॉज करेक्टिंग माय मिस्टेक, मैं अपनी गलती सुधार रही थी. गुड. आई वॉज परचेजिंग न्यू बैंगल्स फॉर माय मदर, मैं अपनी मम्मी के लिए नई चूड़ियां खरीद रहा हूँ. एक मिनट रुकिएगा दोस्त, परचेज का प्रयोग कम कर दीजिए. परचेज वैसे आमतौर पे व्यावसायिक उपयोग में की जाने वाली क्रिया है. एक बच्चा लेकर आया था, तो तुम लोग तो के मन में एक सवाल आया होगा कि इस पोस्टर में ये रेड कलर से बीच में क्यों चिपका दिया. उसका कोई उद्देश्य नहीं, वहां पे विजिबल अच्छा होता है. आप कहीं पे भी परचेज वन ऐसा लिखा नहीं देखेंगे, आप हमेशा इसी क्रिया को लिखा देखेंगे, बाय वन गेट वन फ्री. आई वाज बाइंग न्यू बैंगल्स फॉर माय मदर, अपनी मम्मी की नई चूड़ियां खरीद रहा था. आई वाज एक्टिंग द रोल ऑफ राम, मैं राम का रोल निभा रहा था. सेंटेंस सही है, लेकिन इस सेंटेंस को इस तरह से बोल के देखिए. He was performing the role of Ram in Ram Leela. वह राम लीला में राम का किरदार निभा रहा था. Very nice. I was wandering here and there. मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी. Very nice. बोलेगा she was wandering here and there. वह यहाँ वहाँ घूम रही थी. I was arrested yesterday. I was being businessman. My businessman बन रहा था. Very nice. बोलिएगा, what's your name? Manish. Was being a good businessman. Gradually. Manish. धीरे धीरे. एक अच्छा. व्यवसायी. बन रहा. Is anybody rest? No. Should we start second round? Yes. क्या अपन लोग दूसरा राउंड शुरू करें? चलो एक बार मैं इस सवाल को मैनर्ड तरीके से पूछता हूँ, ताकि तुम्हारी हैबिट में आ जाए. दोस्तों, शैल वी स्टार्ट द सेकेंड राउंड? क्या हम लोग दूसरा राउंड शुरू करें? लेट्स चेंज द सब्जेक्ट एंड The verb. चलो कर्ता भी बदल देते हैं और क्रिया भी बदलते हैं. My cousin was coming back after completing his graduation. मेरी कजिन वापस आ रही थी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद. आंटी कल मेरा दरवाजा खटखटा रही थी. ब्राइड वॉज साइन हर मैरिज सॉरी इन हर मैरिज सॉरी अब यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग सवाल आया है, तो यहाँ हम पूछते हैं इनके हिसाब से क्या होना चाहिए. शाइन शाइन
Shy. अच्छा शायद हमारी एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं थी, एक और करके बता। परफेक्ट गोल्ड मेडल। एक प्रपोजिशन लगाते हैं, ड्यूरिंग लगा के देखो बहुत खूबसूरत लगेगा, या ड्यूरिंग सात फेरे कर दो, या ड्यूरिंग वरमाला। यस ब्राइड वाज साइंग इन हर वरमाला ड्यूरिंग द वरमाला। Bride was sighing during the varmala. दुल्हन वरमाला के समय या सब के दौरान शर्मा रही थी। बिल्कुल सही बोला था तुमने हिंदी में। वरमाला किस समय? हाँ, शर्मा रही। बिल्कुल वही है। प्रपोजिशन का एक तो अनुवाद होता नहीं है, दूसरा अक्षर से अनुवाद करना अच्छा भी नहीं लगता। जैसे इसमें वित लगा हुआ है लेकिन कहीं इसका मतलब वो नहीं निकल। Mukesh Ambani was earning day-to-day profit in their business. उसमें बताइए मुकेश अंबानी किस श्रेणी में आएंगे? ही। तो ही के आगे क्या लिखा हुआ है? मुकेश अंबानी was earning profit day-to-day in their in his business. Mukesh Ambani har din profit kama rahe the unke business mein. Thoda aur sudhar de, bolega hum aisa rahe Mukesh the Ambani. मुकेश अंबानी अपने बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट कमा रहे थे। बोलो भारत माता की जय। प्रिंसिपल सर वॉज शाउटिंग इन द क्लास में। प्रिंसिपल सर क्लास में चिल्ला रहे थे। वी वर साइनिंग अवर कार, वह अपनी हम अपनी कार चमका रहे। करेक्ट। कोई कंफ्यूजन बेटा? दीदी की चार की और एक बार हमारे साथ बोल दो बेटा, हम अपनी कार शर्मा रहे थे। एथलीट वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर हिज अपकमिंग मैच। एथलीट अपने आने वाले मैच के लिए तैयारी कर रहा था। अपकमिंग अच्छे शब्द है बच्चों, एक बार बोलिएगा। ऑल द एथलीट्स वर व्हाट वाज द वर्ड प्रैक्टिसिंग फॉर देयर upcoming event. Athletes आने वाले event के लिए अभ्यास कर रहे थे। They were smoking in the smoking prohibition area. वे लोग स्मोकिंग प्रोहिबिशन एरिया में स्मोक कर रहे थे।
नो प्रोहिबिशन तो उल्टा हो गया, प्रोहिबिटेड एरिया। एक बार बोलिएगा, दे वर स्मोकिंग इन नो स्मोकिंग जोन, वे धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र में सुट्टा मार रहे थे। Mummy was preparing meal for party. Mummy party के लिए खाना बना रही थी। बना रही थी will do। वैसे prepare करते तैयार करना होता है। सही। Police were pursuing pickpockets. पुलिस जेब कतरों का पीछा कर रही थी। इसने हेल्पिंग वर्ब तो गलत लगा दी। पुलिस के साथ तो वाज आने चाहिए ना। पुलिस अपने आप में बहुवचन सब्जेक्ट है भाई, और अगर एक वचन बनाना है तो पुलिस मैन रखना पड़ेगा, या अमेरिकन शब्द कॉप होता है, COPC.O.P, सेंट्रल ऑफिसर ऑफ पुलिस, कॉप, पुलिस। और जेब कतरा के लिए कौन सा शब्द यूज किया? पिक पॉकेट। बोलेगा, द पुलिस वर सर्चिंग द पिक पॉकेट्स। पुलिस जेब कतरों की खोज कर रही थी। पिक पॉकेटर्स। रिया वाज गार्डनिंग हर गार्डन यस्टरडे। रिया उसके गार्डन की कल बागवानी कर रही थी। कम अगेन। रिया वाज गार्डनिंग हर गार्डन यस्टरडे। दो शब्द एक्स्ट्रा हैं, हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। रिया वाज गार्डनिंग यस्टरडे। रिया कल बागवानी कर रही थी। अभिचल एंड पलक वर चिलिंग आउट इन कैफे। अभिचल और रिया कैफे में मस्ती कर रहे थे। Short term memory loss. Correct. Is anybody rest? दोस्तों अगला राउंड सीधे हम WH दे रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं सिंगल वर्ब से खेल रहे हैं, प्रैक्टिकल सेंटेंस है। आपको आंसर में स्थान बदलना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्थान रखिएगा। चेतन, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे? सर, आई वाज गोइंग टू गांधीधाम यस्टरडे। चेतन, कल तुम कहाँ जा रहे थे? कल मैं गांधीधाम जा रहा था। ओके, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे? आई वाज गोइंग जयपुर यस्टरडे।
Let me repeat my question. Chetan, where were you going yesterday? I was going to Raita yesterday. कल तुम कहाँ जा रहे थे? कल मैं Raita जा रहा था. इसलिए राउंड सलवार है. कभी ऐसा करके बताए किसी भी स्थान पे पहुंचने से पहले पासपोर्ट पासपोर्ट नाम दे रखा है अपन ने. आओ या जाओ किसी भी स्थान पे टू लगाओ. इसलिए ये राउंड. Where were you going yesterday? I was going yesterday. I was going to Pink City yesterday. आप कहाँ जा रहे थे? I was going to Mocha Cafe yesterday. कल आप कहाँ जा रहे थे? कल मैं Mocha Cafe जा रहा हूँ. Where were you going yesterday? I was going to V-Mart yesterday. कल आप कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रही थी? मैं V-Mart जा रही थी. Where were you going yesterday? I was going to watch The door of hell yesterday. That means a cutter. Cutter mein hai na. I was going. कल मैं नल का दरवाजा देखने जा रही थी. कटर UAE. Where were you going yesterday? I was going to Agra. Sorry. For extension. Complete. Your sentence is incomplete. I was going to Agra for seeing Taj Where were you going yesterday? I was going to Agra yesterday. कल आप कहाँ जा रहे थे? कल मैं आगरा जा रही हूँ. Where were you going yesterday? I was going to चंदरिया मल yesterday. कल आप कहाँ जा रही थे? कल मैं चंदरिया मल जा रही थी. Where were you going yesterday? I was going to temple yesterday. कल आप कहाँ जा रहे थे? कल मैं temple जा रहा था. Where were you going yesterday? I was going to Delhi yesterday. कल आप कहाँ जा रहे थे? कल मैं दिल्ली जा रहा था. Where were you going yesterday? I was going to my home. I was my home के पहले या home के पहले to नहीं लगता है व्याकरण के लिए. I was going my home. Yesterday. कहाँ जा रहे थे? मैं मेरे घर जा Where were you going yesterday? I was going to my friend's birthday party yesterday. I was going to my friend's birthday party. Sir, my friend. ये अनुवाद जो करते हैं ना बच्चों आप लोग इसको देखिएगा. ये सेंटेंस हम कैंसिल कर दे रहे वो दूसरा बना देंगे. आई वॉज गोइंग टू अटेंड माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी yesterday. ये ऐसा एप्लीकेशन अच्छी है क्योंकि बर्थडे पार्टी कोई जगह तो नहीं है ना.
नहीं पहले क्वेश्चन करो उसको कोई जगह रखनी पड़ता है. सबसे अच्छा किया तुम लोगों ने उठा के सबने यस्टरडे ही बन दिया तो उसका हम फायदा उठा रहे इस घर चैट का. इस बार हम और वर्ब बदल रहे हैं आंसर सब के अलग अलग हो जाएंगे. शीतल व्हाट वर यू डूइंग द डे बिफोर यस्टरडे. द डे बिफोर यस्टरडे सर आई वाज बाइंग अ न्यू हाउस फॉर माय पेरेंट्स द डे बिफोर यस्टरडे. वेरी नाइस. अलग अलग क्रियाएं आएंगी बच्चों. जब दूसरे सवाल किया जाता है तो हिंदी माध्यम के बच्चे आंसर में उचक के डू लगा देते हैं जो कि कतई गलत. बहुत कम जगह पे डू लगेगा. आप अपनी कोई भी वर्ब उठाइए और वो बताइए. चेतन परसों आप क्या कर रहे थे. ये ध्यान दिया कि नहीं. बहुत अच्छी बारीक सी चीज है. कुछ ही क्षण पहले हमने चेतन को एक्सप्लेन किया परचेज क्रिया को जुबान से हटाने की कोशिश करो. उसने इस बार बाय क्रिया अपनी जुबान पर रखने की कोशिश की. छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन यही बनाते हैं अच्छे परिणाम. क्वेश्चन विल बी सेम. व्हाट वर यू डूइंग द डे बिफोर यस्टरडे. आई वाज गैदरिंग माय बुक्स. गैदर का प्रयोग बच्चों व्यक्तिवाचक ज्यादा अच्छा माना जाता है. और कलेक्ट वर्ब सुनी होगी ना वस्तुओं के लिए. आई वाज कलेक्टिंग माय बुक्स. व्हाट वर यू डूइंग द डे बिफोर यस्टरडे. आई वाज कलेक्टिंग माय बुक्स द डे बिफोर यस्टरडे. आप परसों क्या कर रहे थे. परसों अपनी किताबें इकट्ठा कर ली. व्हाट वर यू डूइंग द डे बिफोर यस्टरडे. आई वाज क्लीनिंग माय होम द डे बिफोर यस्टरडे. परसों आप क्या कर रहे थे. परसों मैं अपना घर साफ कर रहा था. व्हाट वर यू डूइंग द डे बिफोर यस्टरडे. आई वाज हैविंग फन विद माय फैमिली द डे बिफोर यस्टरडे. परसों आप क्या कर रही थी. मैं अपनी फैमिली के साथ मजे करती. ये तुमने अच्छा किया. फ्रेजल वर्ब रखी. दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है. और उसमें आईएनजी लगाने में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है. उसने बिल्कुल सही जगह आईएनजी लगाया. हैव में लगाया. आई वाज हैविंग फन विद माय फैमिली द डे बिफोर यस्टरडे. Were you doing the day before yesterday? I was watching Pushpa movie the day before yesterday. आप परसों क्या कर रहे थे? मैं परसों Pushpa movie देख रहा था. Pushpa. What were you doing the day before yesterday? I was taking rest. In my farmhouse, the day before yesterday. आप परसों क्या कर रही थी. मैं परसों अपने farmhouse पर आराम कर रही थी. What were doing? Sorry. Subject is missing. What were you doing the day before yesterday? I was playing with my students the day before yesterday. What were you doing the day before yesterday? I was getting ready for the party day.
पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ. What were you doing day before yesterday? इसलिए हमने तुम्हें थैंक यू बोला था, मेंशन किया था. किसने रखा था हैव फन? कि ये बच्चों से होती है गलती. वो उठा के पूरे के पूरे शब्द में आखिरी में आईएमजी लगा देते हैं और वो हो गया. बोलो भारत माता की जय. फर्स्टली यू प्रमोद, व्हाट वर यू डूइंग द डे बिफोर यस्टरडे? आई वाज टेक सम स्लीप सॉरी सम स्लीप. अच्छा हुआ कि मैंने फॉर्मूला नहीं मिटाया. तुम अपना जो भी आंसर था रिपीट करना, लेकिन जहां जहां हो वैसे. Was playing with my students the day before yesterday. तुम भी अपना सेंटेंस धीरे धीरे रिपीट करना. I was buying a new house for my parents. किसने बोल दिया? तुम थोड़ा सा उसको समझाने के हिसाब से जहां पे उंगली हो वहीं पर. I was cleaning my house the day before yesterday. I was take a sound sleeping. Take a sound sleep. तुम अपना सवाल, हम तुमसे फिर से पूछ लेते हैं. What were you doing the day before yesterday? बहुत धीरे धीरे बोलना. Was having fun with my family the day before yesterday. हाँ, with sorry with my. I was sleeping. फिर से धीरे धीरे बोलना. What what were you you के साथ वर लगता है इसलिए were you doing the day before yesterday? उसको सुनना हमें नहीं ध्यान से. I was एक मिनट रुक मैं लिख भी. What is the verb for मजा करना? I was having fun. बस रुक जाओ, अब आगे. I was taking a some sleep the day before yesterday. बोलो भारत माता जय. पूछा किसने? तुमने पूछा था बेटा, एक बार फिर से इंग्लिश पूछा. What were you doing the day before yesterday? I was taking some sleep the day before yesterday. परसों आप क्या कर रही थी? परसों मैं चैंपियन सो रही थी. What were you doing the day before yesterday? I was running on road the day before yesterday. क्या लगाने चाहिए?
किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? सर ये बोल रहा है कि ट्रैफिक में कैसे दौड़ एक्चुअली वो पूरा सेंटेंस अव्यवहारिक है ना? आप कुछ कर रहे थे, जो कर रहे थे वो एक्चुअली प्रैक्टिकल तो उसको सुधारने से कोई मतलब नहीं। What were you doing? Sorry. अरे वेरी गुड यार, थैंक यू बच्चों। हाँ 27 साल हो गए इसको। वेयर तो ये What were you doing the day after assembly? Sorry. Thank you for sorry. WH बनाना बड़ा आसान होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ड उठा के उसको यहाँ रख दो WH बन जाएगा। What were you doing the day before yesterday? What were doing? Sorry. चलिए तुम्हारी मदद करते हैं बेटा, थैंक यू। रखते जाओ इनके। व्हाट? हाँ व्हाट वर वर यू यू सब्जेक्ट हो गया। डूइंग डी डे आफ्टर। क्या मस्त सॉरी बोली है भाई, थैंक यू। बिल्कुल वही सारी बोली है, व्यक्ति खट से पकड़ ले। क्विक सॉरी, इट वॉज ए क्विक सॉरी। लेकिन हमें जो जिसका सुनाई दिया हमने उसको पारितोषक दिया। What were you doing the day after yesterday? 2 दिन बाद आएगा ये जो तुम रख रहे हो, अभी तक आया नहीं। After जो है वो अभी 2 दिन बाद आने वाला है, आया ही नहीं है अभी। What were you doing the day before yesterday? बता भी यार। हाँ यार। I was teaching the day before yesterday. बच्चों क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बोलेगा सकर्मक क्रिया, उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म का आना जरूरी होता है। सॉरी
सपरिवार का मतलब है परिवार सहित, सकर्मक यानी कर्म सहित। तो ये जो कर क्रिया कर रहे थे वो किसके साथ कर रहे थे, वो कर्म हो जाएगा। तो उससे लगाने से सेंटेंस पूर्ण सा लगता है। ये पढ़ाने की क्रिया कर रहे थे, तो अब सवाल उठता है कि किसको पढ़ा रहे थे, है ना। तो जिसको पढ़ा रहे थे वो रखना अच्छा है। I was teaching students the day before yesterday. परसों आप क्या कर रहे थे? परसों बच्चों को पढ़ा रहा था। What were you doing the day before yesterday? I was roaming the terrace the day before yesterday. रोमिंग के बाद क्या बोला बेटा? अच्छा। ठीक है, उसको नहीं सही करना है तो हमें क्या करना है? ठीक है, कल परसों आप क्या कर रहे थे? कल के परसों फिर से पूछो। परसों आप क्या कर रहे थे? परसों मैं घूम रही थी। तुम हमसे तो हम एक डिफरेंट आंसर दे दे रहे जिसमें डू आए। What were you doing the day before yesterday? Actually, I was doing nothing the day before yesterday. परसों आप क्या कर रहे थे? दरअसल परसों में कुछ नहीं कर रहा था। आई वॉज फ्री बिकॉज इट वॉज संडे। अब जैसे हमारी आदत हो गई ना कि हम कुछ ना कुछ जस्टिफाई करने के लिए, आप देखना कुछ बैच में अगर वीडियो देखते होगे दूसरे बैच के, तो धीरे धीरे बच्चों को अपने आप आदत हो जाती है, वो आखिरी में कुछ ना कुछ। अभी तुम्हारा फर्स्ट राउंड है इसका, तो तुम लोग सिंपल सिंपल उत्तर दे रहे हो, धीरे धीरे आदत बढ़ती चली। बच्चों, शुड आई गिव यू इंटरेक्टिव वीडियो? तो फिर थैंक यू फॉर कमिंग। क्या मैं आपको इंटरेक्टिव वीडियो दे दूं? आपने मना कर दिया है आने के लिए बहुत बहुत।